दुनिया के कई देशों के पास ऐसे खतरनाक हथियार है जो पल भर में दुश्मन का सफाया कर सकता है। फाइटर जेट एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसे दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वाकई में युद्ध छिड़ जाए तो जीत उसी देश की कदम चूमेंगी जिसके पास सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट है। इस कारण से अब दुनिया में हर देश खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट रखना चाहता है। किसी भी फाइटर जेट को उसकी कुछ स्पेशलिटी उसे खतरनाक बनाता है। पहला है विमान की स्पीड, दूसरी है उसकी स्टेल्थ पावर अर्थात रेडर से छुपने की क्षमता, तीसरी है एडवांस नेटवर्क जिससे विमान को डेटा मिलता है, और लास्ट में फाइटर जेट की मैन्युवरबिलिटी। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दुनिया के 5 सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट के बारे में। नंबर 5, यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून यूरोप के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है। यूरोप के 4 देश जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और इटली मिलकर इस फाइटर जेट को डेवलप किया है। यूरोफाइटर टाइफून की स्पीड है 2385 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 55,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। टाइफून के बॉडी में केवल 15% मेटल लगा हुआ है, बाकी का हिस्सा कार्बन फाइबर का बना हुआ है। इसी कारण से ये रेडार की पकड़ में नहीं आता। हाईली स्टेल्थ फीचर और एडवांस नेटवर्क जो कि एक फाइटर जेट की दिमाग है, टाइफून को बहुत खतरनाक बनाता है। भारत के रफेल खरीदने के समय ये इंडिया का सेकेंड ऑप्शन चॉइस था। कई ये मानते हैं रफेल से टाइफून ज़्यादा खतरनाक फाइटर जेट है, लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे कि रफेल ज़्यादा एडवांस है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। नंबर 4, डैसो एविएशन रफेल। भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए सन 2007 में मल्टीरोल फाइटर जेट के लिए टेंडर जारी किया था। MRCA टेंडर में अमेरिका ने F-16 और अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट, रशियन MiG-35, स्वीडिश ग्रिपेन, फ्रांस के रफेल और यूरोफाइटर टाइफून अपने टेंडर भरे। 27 अप्रैल 2011 में आखिरी दौर में यूरोफाइटर और रफेल इंडियन कंडीशन के लिए अनुकूल पाए गए, लेकिन यूरोफाइटर का कॉस्ट रफेल से बहुत ज़्यादा होने के कारण रफेल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। रफेल को फ्रांस के डैसो एविएशन ने बनाया है। रफेल एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। 4.5 जनरेशन रफेल के पास सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार है जो 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। रफेल की स्पीड है 1.8 मैक अर्थात 2222 किलोमीटर प्रति घंटा। 36,000 फीट से 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है रफेल। रफेल में किसी भी देश का एडवांस मिसाइल भी फिट हो जाता है, जैसे अमेरिकन, रशियन, इजरायली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। रफेल में लगा एडवांस जैमर किसी भी दूसरे फाइटर जेट की सिस्टम को जैम कर सकता है। अमेरिकन सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 रैप्टर को भी रफेल जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज में ढूंढ लिया था, जिससे पूरा दुनिया हैरान था। नंबर 3, J-20 चाइना। J-20 चाइना द्वारा डेवलप किए गए 5th जनरेशन मल्टीरोल फाइटर जेट है। J-20 के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वेपन, इलेक्ट्रॉनिक 3D रेडार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नेटवर्क इस फाइटर जेट को बहुत खतरनाक बनाते हैं। काफ़ी लोग ये दावा करते हैं J-20 अमेरिकन F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी को चुरा के बनाया गया है। J-20 अपनी स्टेल्थ और 5th जनरेशन के लिए चाइना J-20 को बहुत एडवांस मानता है। पीपल लिबरेशन एयरफोर्स के लिए इसे चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC ने बनाया है। J-20 की स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 45,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। C-20 में लेजर गाइडेड बम, लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल भी तैनात है। अमेरिकन F-22 की तरह J-20 की भी रेडर बहुत लॉन्ग रेंज तक दुश्मन जेट को देख सकता है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों बैटल में J-20 काफ़ी सुपीरियर है। नंबर 2, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। अमेरिकन F-22 रैप्टर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। F-22 रैप्टर दुनिया में सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है। अभी तक दुनिया में जितने भी स्टेल्थ जेट बना है ये सबसे एडवांस है।
किसी भी ग्राउंड रेडर या दूसरे फाइटर जेट की रेडर इसे ट्रेस नहीं कर पाता है। F-22 एक तरह से अदृश्य उड़ने वाले विमान है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सैटेलाइट गाइडेड लॉन्ग रेंज मिसाइल, सिग्नल इंटेलिजेंस, एडवांस नेटवर्क, सुपीरियर मैनोवरेबिलिटी, AI बैटल सेंस F-22 को सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाता है। F-22 को एयर टू एयर डॉग फाइट में हराना बहुत ही चैलेंजिंग है। स्पीड भी F-22 की सबसे तेज है, 2410 किलोमीटर प्रति घंटे। इस समय अमेरिका के पास टोटल 195 F-22 मौजूद है। नंबर 1, F-35 लाइटनिंग 2। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे घातक और एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। इस एयरक्राफ्ट को US एयरफोर्स और नेवी दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। F-35 लाइटनिंग 2 इकलौता फाइटर जेट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर या लैंड कहीं से भी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। स्टेल्थ फीचर और लेटेस्ट जनरेशन नेटवर्क इसको सबसे ज़्यादा घातक बनाता है। F-35 का फाइटिंग सेंस इतना एडवांस है कि यह 360 सभी टारगेट को एक ही बार में डिटेक्ट कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। F-35 लाइटनिंग 2 की रेडार इतना पावरफुल है कि किसी भी देश की अंदर जाकर बिना डिटेक्ट हुए अटैक कर सकता है। एडवांस बैटल सेंस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट को दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करें नॉलेज दुनिया चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।